एवरीवन, आज फ्रूट बॉम्ब्स किचन में पिंडी छोले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी के साथ, भटूरों के साथ, कुलचों के साथ। ओवरनाइट मैंने चने सोक कर दिए थे, अब इसमें पानी में डिप कर वॉश करके पानी में डिप करके 2 मोटी इलायची, 1 टीस्पून चाय पत्ती, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, इसको डाल के हम इसमें लिड लगा के लिड में मैं ये इस पर ऑयल लगा रही हूँ जिससे चने बाहर ना आए। लिड लगा के इसको 1 प्रेशर के बाद 20-25 मिनट्स सिंपली रखेंगे। चने हमारे बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, लुक एट दिस। को खुले बर्तन में डाल के इसमें उबले हुए आलू, फ्रेशली कट टमाटो डाइस्ड एंड ग्रीन चिलीज और जिंजर जूलियन, ये हमने डाल दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून 1 टीस्पून 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच चना मसाला पाउडर, ये मैंने 2.5 टीस्पून डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले चनों के साथ अच्छे से कोट हो गए हैं, अब हम इसकी तड़के की तैयारी करेंगे। इसमें कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप घी डाला है, इसको बहुत अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद हमने चने डाले। अब घी के साथ चनों को मिक्स करना है अच्छे से, घी को कोट कर देना है चनों के साथ। हमारे परात में मसाले लगे हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, पानी डाल के इसको हम चनों के बीच में ही ऐसे डालेंगे। 1/2 कप जितना मैंने पानी डाला है इसमें, और इसके सारे मसाले हम कढ़ाई के अंदर ही डालते हैं, मसाले वेस्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, क्योंकि सारी फ्लेवरिंग हमारे मसालों के अंदर है। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से और मीडियम हीट पे इसको 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे भूनेंगे, पकाएंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम में, मैं अब आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी पानी है इसमें, जो हमने पानी डाला था मसाला वाला, इसको भी मैं इसी स्टेज में बंद कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको भी हम ढके हुए रहने देंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये एकदम से पानी सोख लेंगे अपने, ये एब्जॉर्व कर लेगा सारा पानी। अगर आपको इतना चाहिए मसाला तो एज इट इज़ रहने दीजिएगा, अदरवाइज हम भूलते हुए इसको ख़त्म कर देंगे।